सांचौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब ठेकेदार लक्ष्मण देवासी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने का पूरा प्रकरण है। उपखंड कार्यालय के आगे बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हुए हैं और आज सांचौर शहर के बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। मामले में हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर लोग मांग कर रहे हैं। कल से शव रखा हुआ है राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में, शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। पुलिस की कई टीम बदमाशों की तलाश में जुटी है। सांचौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ सहयोगी लूणा राम भी जुड़ चुके हैं। लूणा राम, क्या कुछ कह रहा है मौजूद लोगों का वहां पर? पूरे मामले को लेकर आज बड़ी संख्या में उपखंड मुख्यालय के आगे लोग है वो जमा हुए हैं और लोगों की एक ही मांग है कि जो हत्यारे हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही सबका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। उसके साथ ही पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर हैं, लगातार समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के जो आने का सिलसिला वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग जमा हो चुके हैं, उपखंड मुख्यालय के आगे धरने पर बैठ चुके हैं। उसके अलावा भी अभी भी लोगों के जो आने का आसपास के इलाके से, गुजरात से और आसपास के जिले से भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी। पूरे मामले में हथियारों की गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। उसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं, अतिरिक्त पुलिस जाप्ता भी शहर में लगाया गया। आज सांचौर शहर के जो बाजार है वो पूरी तरह बंद है और उसके साथ ही सांचौर पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी का फोटो भी जारी किया है जो मुकेश खीचड़ है। और बताया ये जा रहा है कि क्योंकि पिछली बार मुकेश खीचड़ जिसका फोटो जारी किया है सांचौर पुलिस ने, उसका और जो मृतक है लक्ष्मण देवासी उसका टोल संचालन को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद से बाद जिस तरीके से कल जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई, हालांकि वो हत्यारे कौन थे वो अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बताया ये जा रहा है कि वो बाहर के हो सकते हैं, शूटर थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो लक्ष्मण देवासी जो मृतक जो स्कॉर्पियो में सवार होकर जा रहा था उसी दौरान सफेद कलर की फॉर्च्यून कार थी और उसी में ये सवार होकर आए थे बदमाश और उसके बाद में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और गोली मारकर हत्या करते हैं। तो जिस तरीके से पूरा जो पैटर्न देखने को मिला है वो वेल ट्रेड जिस तरीके से जो शूटर होते हैं उसी तरीके का देखने को मिला है। उनके हाथ में जो हथियार है वो भी इस टाइप से देखने को मिले हैं कि जो शूटर रखते हैं। तो इस तरीके से पुलिस की कई टीमें वो जो कल से ही लगातार दबिशे दे रही है, अलग अलग ठिकानों पर दबिशे दे रही है। उसके साथ ही मुकेश खीचड़ की भी पुलिस को तलाश है। उसके साथ ही जो अन्य जो बदमाश है जो इस हत्या में शामिल हो सकते हैं उनको लेकर भी पुलिस ने नाकाबंदी करी है। पूरे राजस्थान, पूरे प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनमें भी ये सूचना सांचौर पुलिस की ओर से उपलब्ध करा दी गई है ताकि वो नाकाबंदी और इन संदिग्ध लोगों तक पहुंच सके। तो उसको लेकर लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो दबी से दे रही हैं। जी और बिल्कुल लुणांदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीर भी जैसे इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया है, फायरिंग हुई है और तस्वीरें वो भी जिसमें लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लुणाराम, लोगों की जो संख्या है बहुत ज्यादा है, ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना है, समझाइश हो रही है वहां पर? प्रशासन और पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर हैं। जैसे ही कल घटना उसके बाद तत्काल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। कल से ही लगातार समझाइश की कोशिश हो रही है, जो लोग पहुंचे हुए उनसे समझाइश कर रहे हैं, परिजनों से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि पहले हथियारों की गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। अभी तक सबका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में कल से सब रखा हुआ है। प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा है ताकि सबका पोस्टमार्टम हो सके, लेकिन परिजन इस मांग पर अड़े हुए हैं कि पहले गिरफ्तारी हो उन हत्यारों की जिन्होंने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने दिखाए थे जिसमें तीन शूटर दिख रहे हैं, बिल्कुल सफेद कलर की लग्जरी कार, उसी में से ये उतरते हैं और उसके बाद में फायरिंग करते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। जी अलूड़ा, प्रशासनिक कार्रवाई कहां तक पहुंच पाई अभी तक, कुछ जानकारी मिल पाई है इन शूटर्स के बारे में, किसी भी तरह की, कौन है ये शूटर्स? पुलिस के जो आला अधिकारी है लगातार मैं संपर्क में हूँ, उनसे बात भी हो रही है कि एसपी रामेश्वर लाल भी यहाँ पर लगातार जो लोग हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। अभी तक जो शूटर थे उनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वो नोकल नहीं है, स्थानीय आसपास के इलाके के नहीं है क्योंकि पहचान हो नहीं पा रही। उनका जो चेहरा वो एकदम कुछ बंधा हुआ नहीं था, चेहरे पे कुछ भी कपड़ा नहीं था, तो ऐसे में पहचान हो सकती है, लेकिन वो यहाँ के नोकल नहीं होने के चलते अभी तक पहचान हो नहीं पाई है। बाहर के हो सकते हैं, दूसरे राज्य के हो सकते हैं, और इनका क्या कनेक्शन होगा, किस वजह के कारण हत्या हुई, क्या शूटर की इनसे कोई रंजिश थी या किसी ने हत्या करवाई, ये तमाम पहलू है। बिल्कुल, हम लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।